महम्मूरगंज। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए महम्मूरगंज से जा रहे थे तो मुझे एक हॉस्पिटल दिखाई दिया, रोहित लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल सेंटर। जरा सच्चाई और अच्छाई, हॉस्पिटल की सच्चाई और अच्छाई, डॉक्टर की सच्चाई और अच्छाई, और सर्जरी की सच्चाई और अच्छाई, और मेडिसिन की सच्चाई और अच्छाई, इलाज की सच्चाई और अच्छाई हम इस हॉस्पिटल की ओनर की के माध्यम से अपने हिंदुस्तान, अपने भारत, अपने देश और अपने विश्व के दर्शकों को और दुनिया के लोगों को दिखाने जा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो सर, डॉक्टर साहब थोड़ा सा उठ खड़ा हो जाइएगा। आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सर, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि हॉस्पिटल लाइन ही क्यों चुना सर अपने कैरियर को? लोग बिजनेस तो बहुत करते हैं और बहुत तरह से माध्यम है कमाने के, मगर जिस जो समय है आज का, इंसान परेशान है और आदमी परेशान से कमा रहा है, तो ये लाइन से हम दोनों काम कर सकते हैं, उनको सेवा भी कर सकते हैं और जिनको आराम भी मिल जाए, और इसे अर्जेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर कमाता है, डॉक्टर दे भी सकता है समाज को बहुत कुछ, इसलिए ये लाइन चुनी गई। सर, आज की वर्तमान समय में बनारस वाराणसी जिला पूरे दुनिया में तो पहले से ही जाना जाता था, आज भी बहुत ब्रांड है पूरे देश दुनिया में। आम लोग, कमजोर, असहाय मलजुमों के लिए क्या व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में सर? अगर उसके पास आधार कार्ड रहता है और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड रहता है, तो हम लोग अपने स्वतः से बिना सरकार की योजना से उसका मुफ्त में इलाज करते हैं। सिर्फ दवाई का खर्चा उसको देना होता है, बाकी सर्जरी चार्ज, बेड चार्ज, यहाँ का रहना सब कुछ मुफ्त है। उसको सिर्फ दवाई का ही पैसा देना होगा, बाकी सब चीज़ें सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर, मैं आपके माध्यम से आपका नाम, आपके हॉस्पिटल का नाम अपने हिंदुस्तान, देश, दुनिया के लोगों को बताना चाहूँगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर अत्रि कुमार है। मैं MBBS, MS जनरल सर्जरी, और मैं मिनिमम चीर फाड़ से, मतलब मिनिमल एक्सरसाइज सर्जरी, मतलब कम चीर फाड़ से, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का ऑपरेशन, कहीं भी सिस्ट, कहीं भी गांठ हो, किडनी का स्टोन, नली का स्टोन, हम लोग पूरा दूरबीन विधि द्वारा से निकालते हैं। और हम लोग हॉस्पिटल का नाम है रोहित लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल सेंटर। बड़ा अच्छा सर। सर, कुछ क्वालिटी क्वांटिटी भी आपके माध्यम से मैं प्रदेश, देश, वाराणसी, प्रदेश, देश, हिंदुस्तान, भारत के लोगों को बताना चाहूंगा। सर, हम लोग के ये अस्पताल जो है वो कम से कम 22 साल पुराना है, और यहाँ पे अब तक कुछ नहीं तो 30,000 दूरबीन विधि द्वारा सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है, जिसमें मैक्सिमम जो मुख्यता है कम से कम 25,000 गॉलब्लैडर का ऑपरेशन होता है। हम लोग पर ईयर कम से कम 1,000 दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं, और ऐसा भी नहीं, और जो क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास सारे स्टैंडर्ड जो मशीन से होती है, जो कैमरा सिस्टम होता है, बेहोशी का सिस्टम होता है, वो सब कुछ अप टू द मार्क है, उसमें कोई वो नहीं है कि। और जो भी है, जो हमारे लिए पहली चीज क्या है, क्वालिटी इज मैटर, पेशेंट की जो सर्विंग है, पेशेंट का जो समस्या है, उस पर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, एज कम्पेयर टू जो उससे अर्निंग है, कि जो आए तो वह हंस के जाए। सर, मैं पॉलिटिक्स की बात आपसे नहीं करूंगा, चूंकि आप जो ओनर हैं या ओनर के सहयोगी हैं इस पूरे हॉस्पिटल के, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो जिला है, वाराणसी के सांसद हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या सपोर्ट मिलता है सर आप लोगों को प्रशासन शासन का? सपोर्ट बहुत मिलता है प्रशासन शासन का, और जहां तक प्रधानमंत्री जी का जो वो है, उनके द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाई गई है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि निम्न वर्ग इसका पैसा नहीं है, उसका मुफ्त में इलाज कितनी बार हो रहा है, कई कई बड़े सेंटर्स में हो रहा है, और जो फैसिलिटी अब मिलने लगी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है, और अब तो मध्यम वर्ग के लिए भी ला रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है सारे लोगों को। धन्यवाद सर, सरगर्मी है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश, भारत के लोगों को एक संदेश चाहूंगा कि कुछ संदेश एज ए हॉस्पिटल के ओनर के तौर पर क्या देना चाहेंगे सर? गर्मी आने वाली है और सरगर्मी का तात्पर्य चुनाव से था। अच्छा, सरगर्मी, आप वोट करिए, अपना मताधिकार का यूज करिए, सही लोग को वोट करेंगे तो सही चीजें होंगी, सही समाज चलेगा, सही दिशा में जाएंगे, और आप भी सही रहेंगे। अगर समाज दुखी रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते, तो सही इंसान को वोट करिए। इंसान की कहानी है, इंसान की जुबानी है, इंसान से प्रदेश है, इंसान से देश है, इंसान से दुनिया है। इंसान को पहचानिए, इंसानियत को पहचानिए, और एक अच्छे हॉस्पिटल में आइए और अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए, ऐसा कहना है जो है रोहित लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल सेंटर के ओनर का। इनका कहना है कि इंसान और इंसानियत देश दुनिया में मायने रखता है, और जहां भी रहिए इंसान और इंसानियत को पहचानिए, क्वालिटी को पहचानिए, क्वांटिटी को पहचानिए। रही बात हमारी, तो हम जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत हम लोगों का, आम लोगों का, खास लोगों का, मलजुमों का, गरीबों का, असहायों का सहयोग करते हैं, और पूर्णतः सहयोग करते हैं। धन्यवाद हिंदुस्तान के एक बड़े
चैनल से सुजित कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक।